हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 3 से रिलेटिव एकदम ऑफिशियली अपडेट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो सबसे पहले जो अपडेट है बहुत ही ज्यादा कमाल का, वो है हॉकाई से रिलेटिव। हॉकाई की तो शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, सभी को पता है, और काफी सारी सैड इमेजेस भी हमें देखने को मिली है, जिसमें कि अगर बात करी जाए जेरेमी के हॉकाई कैरेक्टर को लेकर, तो उन्होंने अपना एवेंजर्स कॉस्ट्यूम नहीं पहन रखा है और वो नॉर्मल कॉस्ट्यूम में नजर आ रही है। पर बात करी जाए उनकी बेटी की यानी कि कैट की, तो उनका ऑफिशियली कॉस्ट्यूम रिवील कर दिया गया है आज के दिन, और देन खुद देख सकते हो कि वो कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है। ये ऑलरेडी बम्बलबी मूवी यानी कि ट्रांसफॉर्मर की बिल्कुल मूवी में नजर आ चुकी है, तो कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। उसी के साथ हॉकाई से रिलेटिव एक और काफी कमाल का अपडेट है, ब्लैक विडो की जो बहन थी फ्लोरेंस प्यूक, जो कि येलेना का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, वो फाइनली इस टीवी सीरीज में देखने को मिलेंगी। जी हाँ, उनका एक छोटा सा कैमियो होगा जो कि कंफर्म हो चुका है। और तो और जेरेमी ने खुद इंस्टाग्राम पर एक बिहाइंड द सीन इमेज पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम पर, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। और पिज़्ज़ा डॉग भी इस टीवी सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब बात करते हैं डीसी की अपकमिंग वंडर वुमन 1984 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली वंडर वुमन रिलीज होने वाली है 24 तारीख को इंडिया में और 25 तारीख को यूएस में, और देन ये साथ ही साथ रिलीज होगी एचबीओ मैक्स पर, और इसका चाइनीज पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है, और साथ ही साथ रिलीज करे गए हैं कुछ कैरेक्टर पोस्टर जो कि फुल एचडी में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोडेड है। अगर आपको सारे वो कैरेक्टर पोस्टर देखने तो आप जाके देख सकते हो। इस मूवी में हमें आईमैक्स से काफी सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि 100% आपको फुली मजा देने वाले हैं, और देन कैरेक्टर पोस्टर तो काफी ज्यादा लाजवाब है और फुल एचडी में है। ठीक है, अब बात करते हैं डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज अपकमिंग वांडाविजन से रिलेटेड। तो फाइनली वांडाविजन के कुछ ना कुछ डेली पोस्टर रिलीज करे जा रहे हैं, सिर्फ अपडेट टीवी का दिखाया गया है और देन कुछ सीन्स का दिखाया गया है, तो यानी कि हमें अलग अलग डायमेंशन और अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से दिखाई जाएगी। किंग्समैन की टोटल 7 मूवीज बनेंगी। जी हाँ, स्टूडियो कंफर्म करता है कि वो 7 मूवी को प्लानिंग कर रहा है, और वो कैसे ये इन फ्यूचर रिवील करा जाएगा। आपके लिए गुड न्यूज़ है स्टार वॉर्स और मार्वल फैंस के लिए, तो डिज्नी का ऑफिशियली इन्वेस्टर डे आने वाला है, और इस वीक में आपको स्टार वॉर्स और मार्वल से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट पता चलेंगे और नई टीवी सीरीज पता चलेंगी और कौन कौन सी मूवीज़ आ रही हैं वो भी पता चलेंगी। तो इन्वेस्टर डे का इंतज़ार करिए इसी वीक में। फीमेल लीड हो सकती है प्लास्टिक मैन, जो कि डीसी की अपकमिंग मूवी है, और कह रहे हैं वॉर्नर वॉर्स कंपनी वाले कि ये एक फीमेल लीड बन सकती है। अब जो भी होगा अपडेट आपको बता दिया जाएगा। डेडपूल पर ऑफिशियली स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, यानी कि थर्ड पार्ट भी कंफर्म है और मार्वल स्टूडियो में ये आएगा। तो गाइस ये एकदम ऑफिशियली कंफर्म है। अब बात करते हैं फर्स्ट लुक के बारे में। तो गॉडज़िला का फाइनली फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, और तो और कॉन्ग का भी बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, मेरे को वो सीन देखना है जो कि थिएटर्स में एकदम आइकॉनिक सीन होने वाला है। जैसे कि पहले एक मूवी आई थी कॉन्ग, जिसमें कि गॉडज़िला एक बार लड़ा था, पर वो ओल्ड मूवी थी बहुत ही ज्यादा। अब बात करते हैं इंटरनल्स के, ऑफिशियली कुछ लुक्स रिलीज कर दिए गए हैं जो कि लेजेंड टॉय है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसी के साथ फाइनली वॉर्नर वॉर्स कंपनी ने अपना फुल चार्ट रिवील कर दिया, जिसमें डून, मैट्रिक्स, सुसाइड स्क्वाड सबके लोगों से रिलीज करे गए हैं, और ये सारे एचबीओ मैक्स पे आएंगे। एक्ट्रा एक्शन, जो कि रूसो ब्रदर ने कहा है कि हम इसका यूनिवर्स बनाने वाले हैं, और इसका एक प्रिक्वल आएगा जिसमें कि पुराने कैरेक्टर दिखाए जाएंगे और इसकी ओरिजिनल स्टोरी दिखाई जाएगी। केजीएफ चैप्टर 2 का फाइनली ट्रेलर आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा, जो कि यश के बर्थडे पर रिलीज होगा। अब वो डेट कौन सी है आप गूगल पर कर सकते हो चेक। एंटमैन 3 की शूटिंग ऑफिशियली जनवरी से स्टार्ट होने वाली 2021 में, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी भी सेट इमेजेस के लिए। और अब बात करते हैं एक और नई अपडेट के बारे में, जो कि डीसी से रिलेटेड है। डेथस्ट्रोक एक्टर जॉन मैंग्लियो ने कहा है कि इसके ऊपर भी मूवी बननी चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के बाद अब बात करते हैं, शैंगची ने फाइनली एक नई बॉडी बिल्डिंग की पूरी फोटो डाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, और देन सैमली ने ये इमेज अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली स्पाइडरमैन 3 की न्यू सेट इमेज देखने को मिली है, जिसमें कि वो कार एक्सीडेंट को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ स्पाइडरमैन से रिलेटेड अब धमाकेदार अपडेट चालू करता हूं। अब सबसे पहले मॉर्बियस एक्टर ने ये क्लियर करा कि ये मेरी ऐसी पहली मूवी होगी जिसमें कि यूनिवर्स कनेक्ट करा जाएगा। जी हाँ, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेके, मॉर्बियस को। उसी के साथ एल्फ्रेड, जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस का कैरेक्टर प्ले करते थे स्पाइडरमैन मूवी में, वो ऑफिशियली कास्ट हो चुके हैं स्पाइडरमैन मूवी में, जो कि मार्वल स्टूडियो के अंडर बन रही है। यानी कि टॉम हॉलैंड के साथ हमें डॉक्टर ऑक्टोपस भी देखने को मिलेंगे, और जिमी फॉक्स ऑलरेडी अमेजिंग स्पाइडरमैन में तो थे इलेक्ट्रो के कैरेक्टर में, और वो ऑलरेडी इसमें कास्ट हैं, ये भी एकदम ऑफिशियली अपडेट है। और उसी के साथ मिस्टूरियो ऑफिशियली स्पाइडरमैन 3 में है, यानी कि आपको सिनिस्टर 6 का
प्रारंभ देखने को मिलेगा, एक स्टार्टिंग देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। उसी के साथ वल्चर ऑलरेडी कंफर्म है, जो कि मॉर्बियस मूवी में भी है और स्पाइडरमैन 3 में भी है। तो गाइस ये एकदम ऑफिशियली अपडेट है। उसी के साथ आप बात करते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि रूमर्स हैं। तो एंड्रू गारफील्ड जो कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में, वो बात कर रहे हैं मार्वल स्टूडियो से और शायद इनकी ऑलमोस्ट साइन भी हो चुकी है। और टॉबी मैकफाय और उसके बाद आप कह सकते हो एमजे, यानी कि हमारी प्यारी एमजे, जो कि इसमें आपको 100% देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन के प्रीवियस के जितने कैरेक्टर हैं आपको सारे के सारे अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिलेंगे। ये सब पूरा टोटली मल्टीवर्स होने वाला है और इसकी देन है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो गाइस आज के बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं कुछ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।